अब बात होगी जुल्मी जिनपिंग की। चीन में उइगरों की 16,000 मस्जिदें ढहाने का खुलासा हुआ है। उइगर नस्ल को खत्म करने के लिए चीन क्या क्या हथकंडे अपना रहा है, इसकी पोल दुनिया के सामने अब खुल चुकी है। जिनपिंग सरकार चीन में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के अभियान को भी हरी झंडी दे चुकी है। मस्जिदों पर कब्जा कर उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। चीन में मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म। जुल्मी जिनपिंग ने मस्जिदों पर चलवाया बुलडोजर। चीन में उइगरों की मस्जिदों पर लहराए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे। शिनजियांग डेटा प्रोजेक्ट नाम की संस्था ने चीन के पाप की पोल खोलकर रख दी है। दावा किया गया है कि अब तक चीन ने अपने शिनजियांग राज्य में 16,000 मस्जिदों को तबाह कर डाला है। शिनजियांग की 1,000 सांस्कृतिक महत्व वाली इमारतों की लोकेशन को जब सैटेलाइट के जरिए खंगाला गया तो सामने आया कि इनमें से ज्यादातर इमारतों का तो अब वजूद ही नहीं। सदियों पुरानी मस्जिदों को या तो पूरी तरह गिरा दिया गया या फिर उनके गुंबदों और मीनारों को ढहा दिया और उनकी भव्यता खत्म कर दी। दुनिया को वॉर गेम में उलझाकर चीनी तानाशाह शी जिनपिंग ने चली है उइगरों को पूरी तरह से मिटा डालने की चाल। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने शिनजियांग में अचानक उइगर मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाना तेज कर दिया है। चीन में लोकतंत्र नहीं, चीन में सरकारी अत्याचार पर कोई रोक टोक नहीं। अत्याचारी भी खुद जिनपिंग है और जज भी जिनपिंग। ऐसे में लाखों उइगर जाए तो जाए कहां। पहले टोपी पहनने पर रोक लगाई, फिर नमाज बंद करवा दी, अब मस्जिदों को ढाया जा रहा है। मस्जिदों के खंडहरों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है। 21वीं सदी में इंसानियत पर जुल्म का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरह बेलगाम चीनी सरकार ने चीन की धरती से मुसलमानों के सफाए की ठान रखी है। पिछले दिनों चीन के शिनजियांग में मस्जिदों को टॉयलेट में बदले जाने की तस्वीरें सुर्खियों में आई थी। कुछ ही दिन बीते कि अब ये नई तबाही की तस्वीरें सामने आ गईं। चीन एक हाथ से उइगर मुसलमानों को खत्म करने पर तुला है तो दूसरी तरफ से ये भी दावा करता है कि उनकी पहचान सुरक्षित है। Currently, Xinjiang is socially stable. Economic development prospects are great. Various ethnicities are getting along harmoniously and they enjoy full freedom of religious beliefs. इससे पहले चीन में उइगर मुसलमानों के लिए 400 नए डिटेंशन कैंप बनाने का खुलासा हो चुका है जिसमें लाखों उइगरों को कैद किया जा सकता है। यानी चीन ने तय कर लिया है कि वो शिनजियांग में एक भी मुसलमानों को उनकी पहचान और परंपरा के साथ रहने नहीं देगा। या तो सबको जबरदस्ती नास्तिक बना दिया जाएगा या फिर उनके नाम गुमनाम मौत लिख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उइगरों की 16,000 मस्जिदें ढहा दी गई और चीन में उइगर मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म ढा रही है जिनपिंग सरकार। लेकिन चीन का अब ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी के साथ खबरों का टॉप एंगल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।